का शरीर नाम नहीं रहता, लोग कहते हैं ये शव पड़ा। शव पड़ा है मतलब केवल शरीर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ श्वास नहीं है, मतलब शरीर नहीं रहा। अब शिव चले गए, शरीर में से श्वास रूपी शिव निकल गए, शव बन गए। हम जितना जितना गुणगान में गमे, कितने किस्मत वाले होंगे छिंदवाड़ा नगर के लोग, कितने भाग्यशाली होंगे ये छिंदवाड़ा क्षेत्र के रहवासी, और कितने भाग्यशाली होंगे आप सब जो छिंदवाड़ा नगर के आसपास के क्षेत्र से भी पधारे हो। जरा विचार करिएगा, भादो के महीने में भगवान श्री बलराम जी महाराज का प्रागट्य उत्सव हुआ, जिस भादो के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ, जिस भादो के महीने में राधा रानी का जन्म महोत्सव हुआ, जिस भादो के महीने में भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादो के महीने में सप्त ऋषियों की प्रागट्यता का प्रतीक रहा, जिस भादो के महीने में केवल भक्ति का ही तत्व निश्चित होता है, उस भादो के महीने में आप इस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में, जिसको हम हरि और हर की भूमि कहते हैं, जिसको हम शिव और शक्ति की भूमि कहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए। इस छिंदवाड़ा क्षेत्र के आसपास के पूरे क्षेत्र में कभी मौका मिले ना, तो छिंदवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्र में